हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस। आज हमारा वर्ल्ड एक ऐसी क्राइसिस में है जहां से निकलने का एक ही तरीका है, घर में बैठना। तो इसी घर पे बैठे लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इसके साथ साथ हो रहे हैं उनको जानकारी लेते रहना भी बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ सार्क के बारे में। सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब एक एसोसिएशन जो साउथ एशिया की कंट्रीज ने बनाया है। साउथ एशिया की कंट्रीज मीन जो पूरा एशिया है उसके अंदर जो साउथ में लाइक करता है, साउथ एशिया में। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? हमारा इंडिया आ गई, ठीक है, इंडिया आ गई। उसके बाद इधर से हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ गए। उसके बाद हम इधर है तो यहाँ पे हमारे पास नेपाल और इधर भूटान आ गई और यहाँ पे बांग्लादेश आ गया। एंड देन हम इधर आए तो म्यांमार और एक नीचे आ गई हमारी श्रीलंका। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज जो सार्क के अंदर आती है, राइट। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली कंट्रीज जो है ये रिवाइवल ऑफ सार्क को रिवाइवल ही क्यों कह रहे हैं और ये सार्क एक्चुअली है क्या, ये कैसे बना और क्या इसके काम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो न्यूज़ में क्या है बेसिकली, जिसके कारण कि ये फिर से एक बार एक टॉपिक उठ के आया है। तो COVID-19 वायरस के दुनिया भर में फैलने के कारण एक ज़रूरत महसूस हुई G7 मेंबर्स के द्वारा कि G7 मेंबर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो G7 मेंबर्स के द्वारा कि हमें एक कम्बाइंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी चाहिए, मतलब एक मिलजुल के सबको इकट्ठा होकर COVID-19 के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने रियलाइजिंग द सेम, इंडिया ने भी लीड ली और इन्होंने क्या कहा, जो सार्क लीडरशिप है, जो सार्क की कंट्रीज है, दे नीड टू कम टू गेदर, उनको साथ में मिलना है एंड चॉक आउट अ कोऑर्डिनेटेड एंड रोबस्ट स्ट्रेटेजी टू टैकल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, की एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि कोरोना वायरस को स्प्रेड को रोक सके। ओके, तो इस प्रपोजल को सबने स्वीकारा, वेलकम किया सारी कंट्रीज ने जो भी है, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के, जिसने कि खुद भी बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर लिया आफ्टर वॉचिंग कि नहीं इसकी सचमुच जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ 1.5 आवर लॉन्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसको कि हम ऑफिशियल सार्क मीटिंग नहीं कहेंगे, बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे निकल के आए। ठीक है, इसके अलावा इसको, इस इनिशिएटिव को सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ने भी हेल किया। सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन है? इजाला रुवत वीरकुन, जो कि एक श्रीलंकन डिप्लोमेट है, जिन्होंने कहा कि नहीं इसकी सख्त ज़रूरत है कि हम सारे देशों को, साउथ एशियन नेशंस को मिलकर, जिनकी कि आपस में एक बाउंड्री अटैच्ड है, तो जहाँ से कि एक दूसरे के अंदर फैलने का डर भी बढ़ जाता है, तो इसके कारण इन कंट्रीज को आपस में मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या इस कॉन्फ्रेंस से निकल के आया, तो इस कॉन्फ्रेंस से 2 चीज़ें निकल के आई। एक तो निकल के आया सार्क एमरजेंसी फंड ऑफ $10 मिलियन, जिसके अंदर कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए। इंडिया ने कहा कि एक फंड बनाइए सार्क एमरजेंसी फंड स्पेसिफिकली फॉर COVID-19, तो जिसके अंदर की मैं $10 मिलियन जो है वो दूंगा। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाइए जिसके अंदर की डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और एक अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहे ताकि कि किसी को भी COVID-19 से लड़ना है तो एक साथ एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है वो तैयार रहे उससे लड़ाई के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं सार्क है क्या, ये सार्क बेसिकली है क्या। ये सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया का एक एसोसिएशन है जो कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसको इनिशिएट किया था जनरल जिया उर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के उस टाइम के नेता थे। उन्होंने उस समय पे ये इसको सार्क को शुरुआत करने के लिए कहा, किस ईयर में कहा गया, 1985 के अंदर, जबकि इसका फर्स्ट समिट जो है वो किया गया ढाका के अंदर। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर इसका फर्स्ट समिट किया गया। नेक्स्ट अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया 2007 में, और इसके अलावा जो पहले 7 मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर अब हो गए 8 मेंबर्स 2007 के बाद से। तो करेंटली इसके मेंबर्स कौन से हैं, ये सारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एक बार इन मैप पे देख लेते हैं, तो अगर आप इन्हें मैप के ऊपर देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया के सारे ऑलमोस्ट नेबर्स हैं, एक अफगानिस्तान को छोड़कर, जिसको कि हम फिर भी नेबर ही कंसिडर करते हैं बिकॉज अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बीच में तो इंडिया है ही, उसके ऊपर इधर आगे नेपाल और इधर है भूटान एंड इधर नीचे साइड में आगे बांग्लादेश और म्यांमार और इधर आ गया श्रीलंका। मतलब इंडिया के चारों साइड की जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर कवर हो रही है।
ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सबसे बड़ी कंट्री हमारी इंडिया है। इंडिया की सबसे बड़ी कंट्री होने के कारण ये इंडिया के अंदर इसके अंदर एक बड़े भाई वाला एटीट्यूड रहता है कि हाँ मैं इनके अंदर एक बड़ा नेशन हूँ, मेरे को इन सबको सपोर्ट करना है। स्पेसिफिकली ऐसा एटीट्यूड इसका इंडिया और भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ रहता है, जिसके कारण कि ये जो कंट्रीज हैं ये थोड़ा सा इससे कटके रहना शुरुआत कर देते हैं बीच बीच में कि नहीं हमें हमें एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट कीजिए, हमें छोटे भाई की तरह नहीं ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसके कारण हमारे पास कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर आप ये मैप ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि सार्क के अंदर आती होगी, इसके ऊपर सोचिए। हम इसके कुछ देर में आते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हमें सार्क के अंदर लगती हैं कि आती होगी। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, काठमांडू में, जो कि बनाया गया था 17 जनवरी 1987 में। इसका समिट जो है वो यूजुअली बायनली होते हैं। बायनली का क्या मतलब है, दो साल में एक बार। ठीक है, तो और उसके अलावा एनुअली भी, स्टार्टिंग में इसके सेशंस जो है वो कुछ कुछ एनुअली भी हुए हैं, बट कुछ एनुअली सेशंस के अंदर भी इसके अंदर बाद में इसे बायनली कर दिया गया। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए बायनली होते थे लास्ट सेशन तक इसका। अब लास्ट सेशन तक मैं क्यों कह रही हूँ वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। रीजन इस, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दो, ये पूरा रीजन जो है वो 3% कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया का। अगर हम एज अर्थ को पूरा देखें तो इस एरिया के अंदर सिर्फ 3% ज्योग्राफिकल एरिया है, बट फिर भी इस एरिया के अंदर 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन पूल जो है वो रहता है। इसी के कारण ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं फिलहाल के लिए हम देखें तो पिछले 35 साल से ये एग्जिस्टेंस के अंदर है। 85 के अंदर बना था, 1985 के अंदर, तो तब से ये एग्जिस्टेंस में, पर फिर भी ये अपनी प्रॉमिस ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर खरा नहीं उतर पाया है। उसके अलावा हम देखें तो साउथ एशिया जो है वो वर्ल्ड का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, जिसके अंदर की 5% ऑफ ट्रेड जो है सिर्फ वो उसके आपस में होता है, बीच आप कंट्रीज के बीच के अंदर किया जाता है। जो कि मतलब अगर हम इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया का भी मैक्सिमम ट्रेड जो है वो बाहर की कंट्रीज के साथ ज़्यादा होता है, पर इंटरनल ट्रेड इन आपस की कंट्रीज के साथ बहुत कम होता है। और इसी कारण जो एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड जोन बनाने की बात की गई थी 2006 के अंदर, वो भी अभी तक मेटेरियलाइज नहीं किया गया, वो भी नहीं बनाया गया इतनी बार प्रयासों के बाद भी। अब हम आते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो अगर आपने मैप को ध्यान से देखा तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पे है इसके अंदर, तो इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पे साथ हो वहाँ पे उनका इशू बीच में आएगा ही आएगा। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान यूज ऑफ टेरर, जो कि वो यूज करता है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरन पॉलिसी, कि टेररिज्म से दूसरी कंट्रीज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, जिसके कारण कि नॉर्मल बिजनेस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है इंडिया की तरफ से। और दूसरा, पाकिस्तान जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमी, जो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है साफ का, उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमिटी होता है जब आप सारे जने, मतलब कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप सारे जनों को उस डिसीजन के ऊपर हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है। अगर किसी एक बंदे ने भी बोल दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो यूनैनिमिटी का मतलब है कि वो डिसीजन वहीं की वहीं खारिज कर दिया जाएगा। तो इसी के चलते पाकिस्तान ने बहुत सारे डिसीजन जो है वो वीटो किए, जिसके कारण कि बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स जो है वो वहीं के वहीं बीच में ही रह गए। उसके अलावा अगर हम बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही बॉर्डर इश्यूज हैं। और तीसरी हमने बात की है कि इंडियाज इकोनॉमिक पोजिशन जो है बाकी सारे कंट्रीज के साथ अगर हम देखें तो वो एक बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड हमें उसके अंदर दिखता है, रेदर देन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला एटीट्यूड अगर हम देखें। इस जो पूरे हमारा सारा मसला चल रहा था उसके अंदर फाइनल नेल इन कॉफिन कब आया। फाइनल नेल इन कॉफिन क्या होता है कि लास्ट एक कील गड़ गई कि अब इसके बाद ये मुद्दा फिर से नहीं उठना चाहिए। तो वो कब हुआ, लास्ट सार्क समिट हुआ हमारा 18th समिट काठमांडू में 2014 में। उसके बाद 2016 के अंदर एक समिट होना था इस्लामाबाद में, जिससे पहले ही पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री बेस उरी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद वो 19th सार्क समिट जो है वो नहीं कराया गया। उसके बाद से अब तक कोई समिट हुआ ही नहीं। तो लास्ट समिट इंडिया का सार्क का हुआ 2014 के अंदर, जिसके बाद वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो 6 साल से अभी तक इनकी कोई मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि क्यों आपको क्यों चाहिए इसकी सार्क चले, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता।
नहीं चल सकता, क्योंकि ये एक इररिप्लेसेबल वैक्यूम क्रिएट कर रहा है इस रीजन के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रीजनल ट्रेड और कल्चरल लिंक्स को रीइंफोर्स कर रहा था। अब अगर हम इन कंट्रीज को देखें तो कल्चरली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, वेदर इट बी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये हम अगर रिलीजन की बात करें, उसके अलावा इनका अगर आप कल्चर भी देखेंगे या रहन सहन का तरीका भी देखेंगे तो वो भी हमें उनको सेम इन कंट्रीज के अंदर मिलेगा। इसके कारण इनके अंदर जो कल्चरल लिंक्स इस्टेब्लिश हो सकते थे और रीजनल ट्रेड्स अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकते थे वो नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा COVID-19 के कारण माल्टीज और श्रीलंका ने हाईलाइट किया कि इसके एक मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, किसके कारण, टूरिज्म के कारण, और उसके कारण रिवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो अगर हम माल्टीज और श्रीलंका की बात करें तो इन दोनों, ये दोनों इंडिया की विसिनिटी में जो कंट्रीज आती हैं, तो इन्होंने इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को दिखा के, ये कहा है COVID-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को दिखाते हुए कि हमें अब मिलजुल के आगे चलने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम लैंड लॉक अफगानिस्तान की बात करें तो उसकी एक तरफ बॉर्डर पर आता है ईरान और एक तरफ बॉर्डर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सारे क्लोज कर दिए हैं ड्यू टू वायरस स्प्रेड ऑफ वायरस के कारण, और ईरान के अंदर वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है कि वहाँ पे वैसे ही कोई इंसान नहीं जा सकता। इसके कारण अफगानिस्तान जो है बिल्कुल ही बंद होके रह गया है। अब लैंड लॉक्ड होने के कारण इसके दो ही लैंड बॉर्डर्स थे और साथ में कोई सी बॉर्डर है नहीं जिसके जिससे कि ये बाकी कंट्री से कंटेक्ट में रह सके, तो ये पूरा एक कट के रह गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सार्क कंट्रीज जो हैं मोस्टली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं जहाँ से कि वायरस एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था, और पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें इन कंट्रीज में इतनी ज़्यादा हाई है कि अगर एक भी बार एक जगह पे भी इन्फेक्शन हो गई तो वो बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड करेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक कम्पैक्ट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का रहना होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि ये पूरा एरिया जो है वो आपको फिल मिलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ है तो फैलने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। पर इंडिया के अंदर घर कैसे, एक के साथ एक जुड़े हुए, जिसके कारण कि फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कंटेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके आपस की जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण ऐसी सेम सिचुएशन जो है वो हमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के अंदर मिलेंगी। और जब ये वायरस इतनी तेज़ी से उन कंट्रीज में फैल रहा है जिनकी जिनके अंदर की हमें सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा दिखती है पहले से, जो कि हमारी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, या फिर जो USA है या ऑस्ट्रेलिया है, इस तरफ हम जाएं तो हमें दिखेगा कि हमारे इंडिया के अंदर इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम आते हैं कि क्या सार्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्या हम कुछ ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि जो इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सके। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन है, एक न्यूअर आउटफिट निकल के आया जिसका कि नाम है बिम्सटेक। ये इतना भी न्यू नहीं है कि हम ये कहें कि अभी ही बना है, कि सार्क के ख़त्म होने के बाद ही बना है। ये बना था अराउंड 1997 में। तो 1997 के बाद, इसके बनने के बाद, इसको एक ऑल्टरनेटिव टू सार्क गिना जा रहा है। इसको ऑल्टरनेटिव टू सार्क क्यों गिना जा रहा है वो हम अभी देख लेते हैं कि इसको सार्क का ऑल्टरनेटिव क्यों गिना जा रहा है। तो अगर हम बिम्सटेक के, ये जो बिम्सटेक है यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको ऐसा नाम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी सारी कंट्रीज जो है वो बे ऑफ बंगाल के आसपास ही लाई करती हैं। ठीक है, तो अब ये बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी इसकी मेंबर्स हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये इसकी सारी मेंबर्स हैं, जिसके अंदर से कि 1997 में जब ये बना था तो इसकी ये 5 मेंबर्स थे। इसी के कारण इसका नाम BIMST से बिम्सटेक रखा गया था, BIMST, और साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसका, इसके अंदर जब नेपाल और भूटान ऐड कर दिए गए तो उसके बाद इसका नाम जो है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रख दिया गया 2004 में नेपाल और भूटान ऐड होने के बाद। तो इसको क्यों ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सारी सार्क की कंट्रीज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सार्क के अंदर मेंबर्स थे 8, जिसके अंदर से कि 6 इसके अंदर हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, प्लस इसके अंदर थाईलैंड भी है। ये सारी वो उसके अंदर सारी वो कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं बे ऑफ बंगाल। तो अब हम आते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, कि क्यों ये सार्क को रिप्लेस कर सकता है।
सार्क के अंदर रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है जो कि हमें बिम्स्टेक के अंदर नहीं दिखती है। बिम्स्टेक के अंदर हमें रीजनल पॉलिटिक्स बहुत कम दिखती है। मेंबर्स इसके अंदर मेंबर्स के जो है फ्रेंडली रिलेशन हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो इसमें मेंबर्स का एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरा हम सार्क के अंदर देखें तो वहाँ पे एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है कि इंडिया ही जो है अकेला प्लेयर है जो कि एक लार्जर इकोनॉमिक पे प्लेयर है जिसकी की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। बट जो बिम्स्टेक है उसके अंदर थाईलैंड और इंडिया दोनों ही मेजर प्लेयर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जिनके अंदर की इकोनॉमिक पावर्स जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छी कंट्री स्टैंड करती है। अब और अगर हम इंट्रा रीजनल ट्रेड देखें तो 1985 से बना होने के बाद भी 5% ट्रेड ही जो है इनका आपस में होता है इन कंट्रीज का, सार्क कंट्रीज का। वहीं अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो इनका जो इंटरा रीजनल ट्रेड है दैट इज अराउंड 6%। एक ही डेकेड के अंदर 10 साल के अंदर ही यह ट्रेड जो है वो 6% पे पहुंच चुका है, 6% से इंक्रीज किया है। तो इस पे अगर हम बात करें तो क्या बिम्स्टेक इतना अच्छा है, क्या बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर सकता है? अगर ये इतना ही अच्छा है तो क्या ज़रूरत है हमें सार्क को रिजुविनेट करने की और क्या ज़रूरत है उसके रिवाइवल के ऊपर इतनी बात करने की? तो अगर हम इस बारे में बात करें तो अगर आप सार्क और बिम्स्टेक को देखें तो सार्क और बिम्स्टेक जो है दे आर ज्योग्राफिकली ओवरलैपिंग रीजन के एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं पर फिर भी दिस डज नॉट मेक दम इक्वल ऑल्टरनेटिव। ये इन दोनों को इक्वल ऑल्टरनेटिव नहीं बना देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सार्क को देखें तो सार्क एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट हो चुका है जो कि 32 साल से फिलहाल के हम कहेंगे 35 ईयर्स से एग्जिस्टेंस में है। और हम स्टार्टिंग के सालों की बात कर रहे हैं 2017-2016 तक जब तक कि ये नॉर्मल वे में काम कर रहा था तो उतने टाइम पे ही इसके 18 समिट जो हैं वो हुए और उस दौरान इसके एक्सटेंसिव नेटवर्क हैं रीजनल सेंटर्स के, कन्वेंशंस के, मल्टीपल परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इसका काठमांडू नेपाल में। जबकि बिम्स्टेक जो है जिसके अंदर सिर्फ 10 स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं आज तक, जिसके अंदर की एक सेक्रेटरी जनरल है और 3 डायरेक्टर्स भी हैं। तो इसको अगर हम ऑर्गेनाइजेशनली कंपेयर करें तो स्टेचर और साइज का जो वैल्यू है उसको और साइज के अंदर कोई कंपेरिजन हम नहीं कर सकते हैं। और सार्क जो है वो एक प्योरली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशियन रीजन के ऊपर बेस्ड है, जबकि बिम्स्टेक जो है जो वो इंटर रीजनल है जो कि दो रीजन्स अलग अलग साउथ एशिया और एशियन, एशिया ने एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है और सार्क जो है वो साउथ एशियन नेशंस के लिए है। और बिम्स्टेक जो है इन दोनों के बीच में कम कॉम्बिनेशन है। वो कैसे? जो थाईलैंड और म्यांमार है दे आर अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे से ये देख सकते हैं कि सार्क जो है वो साउथ एशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो बिम्स्टेक जो है वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक अलग इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिम्स्टेक को बंद कर देना चाहिए, पर बिम्स्टेक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सार्क और एशियन को जोड़ के चलता है। पर वहीं अगर हम सार्क की बात करें तो वो एक अलग से उसकी इंपॉर्टेंस है जिसको कि बिम्स्टेक अकेला रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ बिम्स्टेक हैज बीन अंडरमाइंड बाय चाइना। चाइना कैसे स्कोप ऑफ बिम्स्टेक को अंडरमाइन कर रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो थाईलैंड और म्यांमार जो है दे हैव ग्रोन इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली क्लोजर टू चाइना, वो चाइना को ज्यादा से ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। उसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ गई है चाइना के साथ, और इसके कारण वो एक बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो सार्क जो है इसका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है इंडिया के लिए कि जहाँ जो कंट्रीज सारी बिम्स्टेक के अंदर है उसके अंदर चाइना की हेजेमोनी जो है वो बढ़ती जा रही है, पर सार्क के अंदर इंडिया अभी भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो इन सो फार एज देयर रीजंस ऑफ इंटरेस्ट ओवरलैप, सार्क एंड बिम्स्टेक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड गोल्स। बट सक्सेस ऑफ बिम्स्टेक का मतलब ये नहीं है कि बिम्स्टेक अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सार्क जो है वो पॉइंटलेस हो जाता है कि हमें अब सार्क की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ एक नया चैप्टर ऐड कर रहा है इन रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है? पहली तो हमने ये देखा कि कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिलहाल इतना कैपेबल नहीं है कि सार्क को रिप्लेस कर सके, तो हमें सार्क को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिवाइव करने से क्या मतलब है? उसको एक नए लेवल पे खड़ा करना। तो अब इंडिया ने आइस को ब्रेक कर दिया है, आइस को ब्रेक कर दिया है इंडिया ने, अब बॉल जो है
वो दूसरे मेंबर स्टेट्स की कोर्ट में है। उसका क्या मतलब है कि अब दूसरी कंट्रीज को डिसाइड करना है कि सार्क कहाँ पे स्टैंड करता है। इंडिया ने इस्लामाबाद में जो होना था एक सेशन 19 समिट जो होना था उनका 2016 में, उसको कैंसिल कर दिया था ड्यू टू सम सिचुएशन। बट अब अगर इंडिया ने ब्रेक की है आइस तो बाकी कंट्रीज उसके ऊपर क्या रिएक्ट कर देंगे उनके हाथ में है। और अब ऑल्सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सार्क सेक्रेटेरिएट कि वो एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग जो है वो बनाए रखे कि ये बैरियर्स जो है वो टूटे ही रहे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज सेक्रेटेरिएट को एक जो मीटिंग बुलानी चाहिए फॉरेन सेक्रेटरीज की, इसके बाद जिसके बाद कि वो एक रोड मैप बनाए एक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट कोरोना वायरस के खिलाफ, जिसके बाद कि दैट विल बिल्ड अ वेन्यू फॉर फ्यूचर डिस्कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अवेन्यू बनाएगा आगे कैसे काम करेगा उसके लिए। उसके बाद इस मीटिंग्स को हम मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि एक्चुअली मिलते थे इन समिट्स के अंदर उस तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो द रिवाइवल ऑफ सार्क कुड बी द रेमेडी इन दिस आर ऑफ डिस्ट्रेस। तो इस डिस्ट्रेस के समय पर सार्क का रिवाइवल जो है एक रेमेडी प्रूव कर सकता है इन आठ कंट्रीज के लिए, जो कि एक अभी नहीं समझ पा रही कि उन्हें कैसे इस चीज़ को जो है वो एंड करना है, कैसे इस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से हैंडल करना है। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं विद अ कोट बाय माइकल लेटमैन, जिन्होंने कि अभी रिसेंटली कहा, मोस्ट ऑफ ऑल कोरोना वायरस इज टीचिंग अस अ लेसन इन म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज फोर्सिंग अस टू रिकॉग्नाइज द पेनफुल फैक्ट दैट वी आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट द वर्ल्ड ओवर। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हम एक दूसरे के बिना रहने का नहीं सोच सकते हैं। तो हमारी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक दूसरे के खिलाफ कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस चीज़ से लड़ें बजाय कि एक दूसरे को अलग थलग कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।